हेलो दोस्तों, टेक्निकल वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अलाउद्दीन। आज की वीडियो में बताऊं कि अगर रियलमी के मोबाइल में अगर नेविगेशन बटन आपको नहीं दिखाई दे रहा, हाइड हो चुका है, तो उसको कैसे एनेबल कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, थोड़ा सा स्किप ना करें नहीं तो नहीं सीख पाओगे। इसकी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब के बल जो बेल का आइकन मिलेगा और दबा दे। इससे क्या हो कि जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए नेविगेशन बटन को कैसे एनेबल कर सकते हैं आज की वीडियो में स्टेप बता देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि नेविगेशन बटन को कैसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, इनेबल कैसे कर सकते हैं। नेविगेशन बटन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई किसी को अपने मोबाइल में फोटो गैलरी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसको बैक करना चाहते हैं तो बैक नहीं कर पाओगे, नेविगेशन बटन नहीं रहेगा। तो जिस तरह मैं बैक कर रहा हूँ तो जबकि मिनिमाइज करना चाहते तो इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, किसी चीज़ को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, देख सकते कि मिनिमाइज नहीं कर सकते। ये नेविगेशन बटन होना बहुत ज़रूरी है अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो गलती से छेड़छाड़ के कारण आपको मोबाइल में नेविगेशन बटन हाइड हो चुका है, तो कैसे अपना मोबाइल स्क्रीन पर नेविगेशन बटन को ऐड कर सकते हैं, इसके लिए चलिए सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, सेटिंग जैसे ओपन करते हैं इसके बाद देखिए अपन नीचे चल जाने के बाद देखिए कन्वीनियंस टूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जिसपे क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद नेविगेशन बटन देखिए ऊपर में देख रख सकते हैं, नेविगेशन बटन उस पर जैसे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है, आपको देख सकते हैं नेविगेशन बटन इस तरह से मिल जा रहा है। एक ये हो गया, एक ये हो गया नेविगेशन बटन में। जिस तरह आपको रखना है दोनों में से एक रख सकते हैं जो आपको पसंद है। अगर नेविगेशन बटन हाइड कैसे होता है देखिए, इस पर जगह जिसमें जैसे ब्लू टिक देख रहे हैं तो अगर इसमें रहे तो ये आपका जो हाइड नहीं हुआ, अगर ऊपर वाला अगर कोई क्लिक कर देगा ये वाला तो ये हाइड हो सकता है, ये हाइड हो जाता है गलती से छेड़छाड़ के कारण, ये हाइड हो जाता है नेविगेशन बटन। अब ऐड कैसे करना है, किस पे क्लिक करके रखना है, ये इस पर बोलो नीचे वाला क्लिक करके रखना है, नेविगेशन बटन आपका हाइड नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। चलिए आप समझ चुके हैं कि कैसे नेविगेशन बटन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, समझ चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट करके बताए कि दोस्तों कैसा लगा दोस्त वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।